लो जी आप यही देख लो, देखो ऐसे ऐसे मैसेज आता है यार। मैं कहाँ से, मैं क्या करूँ बताओ। ये अभी एक बंदे का है, क्या लिखा है, भाई प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं दुबई नहीं बाइक डिलीवरी का जॉब करना चाहता हूँ। सही से तो आप लिखते नहीं हो यार, फिर जॉब क्या करोगे दुबई में। एक और होगा, इसमें बहुत सारे हैं यार, ये इतना लाइन पे लाइन। वो देखो मैसेज आ रहा है, फिर मैं किस किस को जवाब दूँ। चलो हटाओ ये मैसेज। एक और बंदा ने भेजा है मैसेज, ये क्या लिखा है, वाई योर आर और फॉर तलाबाद। भाई अगर ऐसा इंग्लिश बोलोगे ना कस्टमर तो भाई भागी जाएगा। भाई सही से इस इंग्लिश बात करो यार, अगर हिंदी में बात करो ना, मैं हिंदी समझता हूँ और समझा भी सकता हूँ। हिंदी बोलो, नेपाली बोलो, लेकिन बंगाली मत बोलो, बंगाली नहीं समझता हूँ मैं। और पता नहीं कोई मुझे चिढ़ाता है या क्या यार, इंस्टाग्राम पे लड़के लड़के हो के लड़की की तरह बात करते, या तो मुझे चिढ़ाता है या बस ऐसे ही लोग मजाक करते। भाई मजाक की बात नहीं है, मजाक मुझसे मत किया करो यार, मजाक करोगे ना फिर मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं पहले ही ब्लॉक कर देता हूँ। कोई तो सीधा बोल देगा तू तेरे को, तो मैं सीधा ब्लॉक ही कर देता हूँ, जवाब देता ही नहीं और किसी को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता ही नहीं। और एक और बंदा है MD सादुल आलम नाम का, शायद पाकिस्तान का ही है, तो मैसेज में मुझे लिख के भेजा है, भाई मैं दुबई आना चाहती हूँ, या मेल है या फीमेल है, चाहती हूँ और 1 मंथ के अंदर आ जाऊँगी, आ जाओगी भाई। अभी फिर मैसेज आया, भाई कैसे हो, मैं दिखाऊंगा अभी आपको वही मैसेज, ये रहा, दिख रहा है कि नहीं मैसेज, ये मैसेज है भाई। मजाक नहीं है ना, मैं मजाक पे, मेरे ऊपर मजाक मत करो, क्योंकि मेरा हिंदी कमज़ोर है, मैं मानता हूँ मेरा हिंदी कमज़ोर है, क्योंकि मैं बचपन से मैं नेपाल में पढ़ा बड़ा हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है मुझे हिंदी में ब्लॉग बनाना। और मेरे कंट्री के लोग बोलते हैं कि भाई तुम नेपाली हो के हिंदी में क्यों ब्लॉग बनाते हो, नेपाली में बनाओ, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। भाई मैं नेपाली में भी बना सकता हूँ, लेकिन हिंदी में बनाना, मैं ये सोचता हूँ कि हिंदी में बनाऊँगा तो भाई पूरा दुनिया को पता चलेगा कि सही बंदा से बात कर रहा हूँ और सही तरीके से कुछ समझा पाऊँ मैं भी, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। क्या बोलूँ यार, जवाब बहुत है, जवाब बहुत है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है और फ़ोन का स्पेस भी कम है, छोड़ो। लास्ट की बात और मैं बता दूँ आप लोग, यहाँ पे किसी के भरोसे मत आइएगा, और जिसके भरोसे आप आओगे ना सबसे बड़ा कमीनापन दिखाता है वही लोग, क्योंकि मैं ये भोग चुका हूँ। और मेरे भरोसे भी मत आना, क्योंकि मैं किसी को भरोसा नहीं दिखाता हूँ, बस मैं जो मेरे साथ हुआ है ना मैं वही बताता हूँ। कि यहाँ पे आने से पहले आप अपने जेब में ना पैसे रखा करो, पैसे रखो, जॉब सर्च करो, और जो काम सही लगे आप सेट हो जाओ। घूमने के लिए भी आओ यहाँ पे, घूमो दुनिया, कम से कम कुछ ना कुछ तो आइडिया लेकर ही जाओगे यहाँ से। घूमने के लिए भी आओ यहाँ पे दुबई पे, ये नहीं कि जॉब ही करना है, घूम के वापस भी चले जाओ। जो अपने दुनिया पे रहते हो, मैसेज पे मैसेज आ रहा है, मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है। सैदुल आलम, अभी थोड़ा रुको भाई, मैं आपसे बात करूँगा। भाई आप लोग यहाँ पे आओ, कोई बोल रहे हैं मैं जनवरी में आ रहा हूँ, कोई बोल रहे हैं मैं लास्ट में आ रहा हूँ, भाई आ तो रहे हो लेकिन किसके भरोसे आ रहे हो, ये देखो पहले किसके भरोसे आ रहे हो और किसके दम पे आ रहे हो, आप ये सोचो। ये नहीं भाई मैं किसी को बुलाया नहीं हूँ, मेरे भरोसे मत आओ, बस मैं आपको वह रास्ता दिखाऊंगा कि भाई यहाँ जाओ, यहाँ पे ये है कंट्रैक्टर, वहाँ पे ये कंट्रैक्टर है, और इतना ज़्यादा कंट्रैक्टर है ना, मुझे बस 4-5 कंट्रैक्टर के नाम याद है, अपलिफ्ट नाम याद है, स्पीड जोन नाम है याद है, फास्ट है का स्पीड फास्ट है, और सैयद असमार है अपना जो, अब बताओ आप, इतने से ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा है यार यहाँ पे बोल्ट है, क्या बताऊँ। जेब में पैसा है आओ दुबई, पैसा नहीं है तो फिर कोई और छोटा वोटा काम देख लो। अगर छोटा वोटा काम में भी आप सर्च करोगे ना भाई, कमीशन लगता है यहाँ, बगैर कमीशन कुछ नहीं होता। जिस टाइम मैं लेबर कैटेगरी में यहाँ पे जॉब में करने वाला था ना, उस टाइम भी 700 सैलरी था मेरा, सब कुछ हो गया था, लेकिन ये कोविड के चलते से अल्लाह करे ऊपर वाले की कृपा से मैं गया नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे भी मैं कमीशन दिया था कितना, 1000 दिराम दिया था, 700 सैलरी पाने के लिए 1000 दिराम मैंने कमीशन दिया था,
और वो 1000 दिराम भी लॉस हो गया मेरा, क्योंकि मैं कोविड हो गया था ना, कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया और कंपनी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, भगा दिया वहाँ से। तो ऐसा होता, अगर जेब में आपके पास जेब में पैसा है तो दुबई आओ, दुबई में वेलकम है और यहाँ पर ख़र्चा ज़्यादा है। मैंने अभी पता किया हूँ कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना, वहाँ पे खाना 2 टाइम खाना देता है और रहने के लिए देता है, तो 30 दिराम लेता है पर डे, हिसाब लगा लो। दुबई में विजिट वीज़ा पे आओगे आप, राइडर काम करोगे, सबसे पहले ये बात याद रखना कि भाई दुबई में यूँ नहीं है, दाल भात नहीं है कि आते ही वीज़ा स्टेटस चेंज हो जाता है, आते ही लाइसेंस बन जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है यहाँ पे दुबई पे, आपको अगर राइडर में काम करना है तो कम से कम 6 महीने से लेकर 7 महीने लग सकता है। भले आपको वहाँ पे अपने मुल्क में एजेंट लोग बोलता है कि भाई 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है 2 महीने 3 महीने में, क्योंकि आप यहाँ पे विजिट पे आओगे उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा, वीसा स्टेटस चेंज करने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन भी लग सकता है, महीना दिन भी लग सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, आईडी बनेगा, आईडी बनने के बाद फिर आपका स्कूल पे फाइल ओपन होगा। स्कूल अपना तो नहीं है, हम खुद ने तो खोला नहीं है स्कूल, स्कूल गवर्नमेंट का है, यहाँ का यूएई सरकार का होता है, तो इसी हिसाब से ये लोग अपना क्लास देता है। और क्लास सोचोगे कि भाई मैं तो अपने गांव पे चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, अपने शहर पे बाइक उड़ाता हूँ, स्टैंड करता हूँ, मैं तो यहाँ पे एक ही बार में पास हो जाऊँगा, ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत बात है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ऐसी लोग के हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसमें 2 महीने 3 महीने भी लग सकता है लाइसेंस निकालने में। तो टोटल कुल प्रोसेस मेरे विचार में जो मेरे साथ हुआ है 6 महीने से 7 महीने लग सकता है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, 6 महीने 7 महीने लग सकता है एक लाइसेंस हासिल करने के लिए, नौकरी लगने के लिए। तो 6 महीने 7 महीना आपके परिवार खाएगा क्या? हवा हवा खाएगा क्या? हवा खिलाओगे आप यहाँ से? भाई इसीलिए सोच विचार करके राइडर में लगो, वरना काम नहीं है राइडर। और यहाँ पे जो होता है ना कंपनी का लोन हो जाता है, वो तो हर महीने सैलरी से काटेगा भाई, क्योंकि कंपनी तो अपना पैसा देखेगा ना। जैसे कि मेरा 14,000 दिराम मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है कंपनी ने मेरे ऊपर, तो वो तो हर महीने मेरे से 1000 दिराम काट रहा है, और मैं कमा कितना रहा हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा मैं कमाता हूँ 3500-4000 दिराम। सोचो खर्चा कितना है दुबई में, 3500-4000 लगा लो सीधा हिसाब, 3000 के हिसाब लगा लो, 3000 मैं कमाता हूँ और 1000 दिराम कंपनी ले लेता है, और पेट्रोल में चला जाता है महीने के 500-1500 ये हो गया, और उसके बाद 600 खाना में चला गया, 2100 ये हो गया, बाकी रह गया कितना? 900 में बेड स्पेस पे आप रहोगे, बेड स्पेस में जाएगा 500 दिराम, बचा कितना? 400 दिराम ओनली। 400 से आप क्या कर पाओगे भाई? आप गांव में लोन लेकर आ रहे हो ना, लोन का ब्याज भी नहीं उतरेगा, ऐसा होगा भाई कंडीशन। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आपका वहाँ पे इन्वेस्टर लोग मतलब कोई टॉर्चर ना दे, तो फिर आप रहो यहाँ पे 6 महीने 7 महीने स्ट्रगल करो, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगा। सेट तो हो ही जाएगा ना, अभी मैं सेट तो हुआ नहीं हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि सेट हो जाएगा, अभी मैं सही तरीके से मैं सेट हुआ नहीं हूँ, अभी भी मैं बोलता हूँ ना मैं सेट, यहाँ पर सेट होने में मुझे 1 साल और लगेगा, 1 साल के बाद ही मैं कुछ यहाँ पर सेट हो पाऊँगा। बहुत मुश्किल है भाई, सोच समझ के कुछ कदम चलना।